नमस्कार, मैं मोमिता अमिताज किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीजी कॉर्न मेयोनीज सैंडविच, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 स्लाइस ब्रेड। यहाँ पे मैं नॉर्मल ब्रेड ले रही हूँ, आप चाहें तो व्हीट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 4 बड़ा चम्मच जो है कॉर्न, फ्रोजन कॉर्न है, जिसे मैंने जो है उबाल कर जो है ठंडा कर ली हूँ, ये 4 बड़ा चम्मच है। 2 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, 3 बड़ा चम्मच मेयोनीज, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 2 ग्रेटेड अमूल क्यूब जो है उसका चीज़ जो है उसको मैंने ग्रेट कर ली हूँ। साथ ही 4 बड़े चम्मच अमूल बटर, जितनी अमूल बटर की आवश्यकता होगी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको जो है मैंने पिघला ली हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम सैंडविच बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले ली हूँ। इस मिक्सिंग बाउल में जो है मैं सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 डालूँगी। मैं कॉर्न जो उबाल कर मैंने रखी हूँ, ये फ्रोजन कॉर्न है, साथ ही प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, ये सब जो है बारीक कटी हुई हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। साथ ही जो है हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक, यहाँ पे मेयोनीज में भी होता है और बटर में भी, इसलिए हम थोड़ा सा कम इसमें डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच या 1/2 छोटा चम्मच इसमें मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। साथ ही हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से। और इसमें जो है मैं लास्ट में जो है मेयोनीज डाल दूंगी। 3 से 4 बड़े चम्मच आप मेयोनीज जो है जितनी आवश्यकता होगी उसी हिसाब से इसमें डालिए। अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे, ये देखिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और इसमें जब हम सैंडविच के अंदर डालेंगे ये स्टफिंग जो है, तो ये स्टफिंग में जो है सारी चीज़ों का जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये हमारा सैंडविच में जो हम स्टफिंग डालेंगे वो बनकर तैयार है। अब जो है हम जो है इसे यहाँ से हटाएंगे और एक ब्रेड स्लाइस में यहाँ पर लूँगी इस तरह से, और इस ब्रेड स्लाइस में मैं ये पिघला हुआ बटर जो है पहले अप्लाई कर दूंगी। इस तरह से हम इसको मेल्ट कर ली हूं ताकि जो है आसानी से जो है इसमें लग सके। ये देखिए एक लग के तैयार है। अब इसी तरह से हम दूसरे स्लाइस में भी लगा लेंगे। ये फ्लैट नाइफ की सहायता से मैं इसमें लगा रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी इसमें बटर जो है स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे इसमें बटर दोनों में लग गया। अब जो है मैं इसके ऊपर जो है हमने जो स्टफिंग जो है कॉर्न मेयोनीज जो है उसका इसकी तैयार किए हैं, उसे इसके ऊपर में हम अच्छी तरह से डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसे स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए आपको जितना इसमें स्टफिंग डालना है उसी के हिसाब से जो है डालिए। मैंने यहाँ जो है 2 पेयर स्लाइस जो है ब्रेड के लिए जो है 4 स्लाइस के लिए जो है इसको बनाई हूँ। आप चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा अच्छी तरह से, ये ज़्यादा इसको हमको प्रेस नहीं करना है नहीं तो सब जो है मटेरियल बाहर निकल आएगा। ये इस तरह से हो गया। अब इसके ऊपर जो है मैं चीज़ डाल देती हूँ। अच्छे से जो है इसमें चीज़ डालिए, आपको जितना चीज़ खाना है उसी के हिसाब से जो है मैंने ग्रेटेड चीज़ इसके ऊपर डाल के स्प्रेड कर दी। ये बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को जो है बहुत ही पसंद आता है, बड़े बच्चों सभी को। और इसमें सारी वेजिटेबल्स भी डली हैं, कॉर्न भी डला है, तो ये बहुत ही अधिक जो है हेल्दी है और टेस्टी भी। अब इसके ऊपर जो है हम एक एक जो है ब्रेड स्लाइस जो है इस तरह से रख देंगे, ज़्यादा हम इसे प्रेस नहीं करेंगे, ये इस तरह से।
और जो है इसके ऊपर जो है हम बटर जो है लगा लेंगे। जितना आपको बटर खाना है उसी के हिसाब से जो है इसमें कम ज़्यादा जितना भी, अब फिर जो है इस तरह से हम इसमें स्प्रेड कर लिए बटर, इधर भी हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से फैल गया है, ताकि जो है हम जब इसको जो है मैं ग्रिल नहीं करूंगी, इसको मैं तवे के ऊपर जो है रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए अब ये तवे के ऊपर जो है जाकर जो है रोस्ट होने के लिए, फ्राई होने के लिए तैयार है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा सैंडविच तवे में जाने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं तवे में बटर लगा देती हूँ, थोड़ा सा गैस ऑन करके मैंने एक नॉन स्टिक जो है तवा जो है इसके ऊपर रख दी हूँ और इसे गर्म कर ली हूँ और अभी इसमें बटर मैंने लगा दी। अब इसमें से हम एक जो है सैंडविच उठाकर जो है इसमें इस तरह से डाल देंगे। गैस का फ्लेम जो है हम मीडियम में रखेंगे और हम इसे जो है हल्के से प्रेस करते हुए जो है इसको, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, इस तरह से पहले जो है हम अच्छी तरह से, गैस ऑन है पहले देख लेती हूँ, इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जो है। जब अच्छी तरह से टोस्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह से टोस्ट हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको देखती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से, ये देखिए एकदम मस्त ब्राउन हो गया है। अब जो है साथ ही हम इसको एकदम जो है धीमे जो है फ्लेम में जो है हम इसको अभी कर रहे हैं ताकि जो है ये बहुत ही क्रिस्प जो है बने। इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको टोस्ट कर लेंगे, हल्का सा प्रेस भी करेंगे ताकि जो है हमारा चीज़ जो है वो पिघल जाए थोड़ा सा। ये देखिए ये दोनों साइड से जो है बहुत ही अच्छा क्रिस्प जो है बनकर जो है तैयार है। अब इसी तरह से जो है मैं दूसरा जो है सैंडविच भी बनाकर जो है तैयार कर लेती हूँ। ये इस तरह से ये बनकर तैयार है, मैं इधर इसे रख देती हूँ। अब फिर हम इसमें बटर जो है अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है हम अपना तैयार सैंडविच इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और इसे भी जो है हम अच्छी तरह से जो है सेक लेंगे, टोस्ट कर लेंगे ब्राउन ब्राउन। अब ये देखिए जब तक ये टोस्ट हो रहा है मैं ये तैयार जो है हमारा सैंडविच है उसे हम, ये भी हो गया, इसे भी मैं पहले पलट लेती हूँ, फिर दोनों को जो है हम मनचाहे शेप में जो है हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये भी जो है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस इसे बनने में बहुत ही कम समय लगता है, इसको झटपट जो है आराम से आप बनाकर जो है ब्रेकफास्ट में जो है सर्व कर सकते हैं। इसको जो है किसी भी प्रकार की चटनी या टमेटो केचप के साथ ही से जो है आप सर्व कीजिए। तो ये जो है ये बन गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब हम इसके ऊपर जो है एक प्लेट रख लेते हैं इस तरह से, और फिर मैं जो है आपको कट करके दिखाती हूँ। एक हमारा बनकर तैयार है, इसे हम कट कर लेंगे, इसमें आराम से हम इसको काटेंगे जो है ताकि जो है ये टूटे ना। फिर मैं आपको इसको शो करती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा जो है बना है, ये देखिए ये जो है बहुत ही हमारा जो है टेस्टी जो है सैंडविच जो है बनकर तैयार है। आप जो है इसे भी जो है मैं एक कट करके जो है दिखाती हूँ। इस तरह से इसे भी हम कट कर लेंगे और आराम से कट करेंगे। ये देखिए ये भी जो है कट करके बनकर तैयार है। ये हमारा जो है बहुत ही टेस्टी, यम्मी, हेल्दी और डिलीशियस जो है
चीजी कॉर्न मेयोनीज सैंडविच बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक में जाइए, उसे क्लिक कीजिए और मेरे अमेजोन स्टोर से अपनी मनपसंद चीज़ें परचेज कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।